government was removed by the ex-army chief, because the military establishment is very powerful here. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now, we have the worst crackdown in our history. A statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. आओ मुझे बचाओ, इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफर, जिस पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया, उसी अमेरिका के सामने हाथ फैलाया। इमरान खान की अमेरिकी रुकने कांग्रेस के साथ जूम मीटिंग की तहलका खेज, मुबैना ऑडियो लीक, बार बार पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा, बोले एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है, आपका एक बयान हमारी कई मुश्किलें आसान कर देगा। इमरान खान ने कातलाना हमले की जिम्मेदारी भी फौज पर डालने की कोशिश की, मुल्की हालात की बदतरीन मंजरकशी की, अपने दौर की बदतरीन मौशी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते रहे। जो सिविलियन हो उसको सिविलियन कोर्ट्स में ही जाना चाहिए, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स का आप हाल तो देखिए, कुछ जजेस ऐसे हैं जो मुनसिफ नहीं रहे, वो कंट्रोवर्शियल हो गए, वो अब एक सियासी जमात के सहूलतकार बन गए। तो जब सिविलियन अदालतों में सहूलतकारी हो रही होगी तो फिर इंसाफ का निज़ाम किधर जाए, और जैसा जुर्म होगा वैसी सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पर आईन और कानून चलना चाहिए। सो मोटो वो सासू मोटो बन गए। सिविल अदालतें पीटीआई की सहूलतकार बन गईं। मरियम नवाज ने 9 मई के मुकदमात फौजी अदालतों में ले जाने की हिमायत कर दी, कहा यहां पर सास और लाडले का कानून चल रहा है, सो मोटो सासू मोटो बन गया है। जजेस कहते हैं हमारे हुक्म पर अमल नहीं हो रहा, ये भी तो देखिए आप क्या हुक्म दे रहे हैं। इमरान खान से करप्शन का हिसाब मांगा तो मुल्क में आग लगा दी। शैतानी दिमाग ने खौतीन और बच्चों को ढाल बनाने का मंसूबा बनाया, जो काम दुश्मन ना कर सका वो फितने ने कर दिखाया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जनरेट हुई हुई है, उसका हकीकत के साथ जो है ना या रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब जो है फ्रॉड के जरिए, झूठ के जरिए, जालसाजी के जरिए अपनी सियासत पिछले कई साल से चला रहे हैं। खातून की तस्वीर जाली निकली, इमरान खान की हुब्बुल वतनी मशकूक हो चुकी, ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द अमल, बोले शरपसंदी की तमाम जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। मरियम औरंगजेब ने कहा जाली तस्वीर ट्वीट करते हुए शर्म नहीं आई, लोग भेड़ बकरियां नहीं जो झूठ पर यकीन कर लें। ये ट्वीट की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जेनरेट करके ये शख्स ने अपनी पुलिस को बदनाम किया। और ये पुलिस वाले बर्बरियत करते हैं जो तुम्हारे बलवे और तुम्हारी दहशतगर्दी के आगे अपने सर फड़वाते हैं, पेट्रोल बम्स उनके ऊपर तुम मरवाते हो। जजेस से मुतालिक 8 मुबैना ऑडियोस का तहलका, हुकूमत ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया, जस्टिस काजी फाइज ईसा सरबरा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रुकन होंगे, विफाकी और सूबाई हुकूमतें तावुन की पाबंद होंगी, कमीशन एक माह में रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगा। कुछ मुबैना ऑडियोज का ताल्लुक बराए रास्त चीफ जस्टिस से होने के बाइस एतमाद में नहीं लिया गया, हुकूमत के मुताबिक चीफ जस्टिस खुद किसी जज को नामजद करते तो मफादात का टकराव हो सकता था। ऑडियो लीक्स कमीशन फोन टैप करने वालों की भी निशानदही करे, इमरान खान का मुतालबा, ट्वीट में लिखा रिकॉर्डिंग और फोन टैपिंग आईन की खिलाफ वर्जी है, ऐसे अनासर को गिरफ्त में लाना चाहिए जो मुख्तलिफ फोन कॉल्स में जानबूझकर रद्दो बदल करते हैं और सोशल मीडिया पर उसे रिलीज कर देते हैं, बज़ाहिर ये अनासर वजीर आजम के मातहत भी नहीं और वजीर आजम इससे लाइल्म है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की मुलाकात, बैठक 3 घंटे से जायद जारी रही, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक मुलाकात में मौजूद नहीं थे।
इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना कोई माली फायदा लिया। नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लियर कर दिया। रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला करने की इस्तदा। वजीर आजम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। समा से गुफ्तगू में बोले, वक्त ने साबित कर दिया हम बेगुनाह थे। सियासी इंतकाम का निशाना बने, अब इमरान खान की अरबों रुपए की करप्शन पर कानून अपना रास्ता लेगा। सानहा 9 मई, 3 इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। टेक्निकल तजिये से 64, नादरा की मदद से 87 और ह्यूमन इंटेलिजेंस से 103 शरपसंदों की शनाख्त की गई। स्पेशल ब्रांच ने वीडियो से 450 शरपसंदों की तस्वीर निकाली। सेफ सिटी कैमरा से 246 तस्वीर मिली। निगरान वजीर आला के हमलों में मुलविस खातीन को हर सूरत गिरफ्तार करने की हिदायत। मर्द पुलिस एहलकारों को खातीन को हिरासत में लेने से रोक दिया। लेडीज पुलिस को साथ ले जाने और खातीन को विमेन पुलिस स्टेशन में रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ में टूट फूट जारी, मजीद रहनुमाओं ने पार्टी से रास्ते जुदा कर लिए। अजमल वजीर बोले, कर्नल शेर खान की यादगार देखकर आंखों में आंसू आ गए। साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्ला और चिन्योट से जिला सदर जुल्फिकार अली शाह ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। मेयर कराची की दौड़ दिलचस्प हो गई। पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत कर दी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, सपोर्ट गैर मशरूत है, चाहते हैं डेप्यूटी मेयर पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी फैसला करे, मैंडेट तस्लीम करना है या इंसानों की मंडी लगानी है। नासिर हुसैन शाह बोले, मेयर उसी पार्टी का होगा जिसके पास अक्सरियत होगी। सानहा 9 मई, 3 इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। टेक्निकल तजिये से 64, नादरा की मदद से 87 और ह्यूमन इंटेलिजेंस से 103 शरपसंदों की शनाख्त की गई। स्पेशल ब्रांच ने वीडियो से 450 शरपसंदों की तस्वीर निकाली। सेफ सिटी कैमरा से 246 तस्वीर मिली। निगरान वजीर आला के हमलों में मुलविस खातीन को हर सूरत गिरफ्तार करने की हिदायत। मर्द पुलिस एहलकारों को खातीन को हिरासत में लेने से रोक दिया। लेडीज पुलिस को साथ ले जाने और खातीन को विमेन पुलिस स्टेशन में रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ में टूट फूट जारी, मजीद रहनुमाओं ने पार्टी से रास्ते जुदा कर लिए। अजमल वजीर बोले, कर्नल शेर खान की यादगार देखकर आंखों में आंसू आ गए। साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्ला और चिन्योट से जिला सदर जुल्फिकार अली शाह ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। मेयर कराची की दौड़ दिलचस्प हो गई। पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत कर दी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, सपोर्ट गैर मशरूत है, चाहते हैं डेप्यूटी मेयर पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी फैसला करे, मैंडेट तस्लीम करना है या इंसानों की मंडी लगानी है। नासिर हुसैन शाह बोले, मेयर उसी पार्टी का होगा जिसके पास अक्सरियत होगी।